दोस्तों, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ऐसे सीखें YouTube चैनल के सारे वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, ऐसे सीखे YouTube चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे YouTube सब्सक्राइबर के बारे में। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे हमारे दोस्त हैं जिन्होंने हमको कमेंट करके बताया कि भाई YouTube पे हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो दिखते रहते हैं, हम उसको छुपाना चाहते हैं, हम उसको कैसे छुपाएं, हम उसको क्यों छुपाएं। ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि हमको अपना जो भी हमारे YouTube जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं उनका जो नंबर ऑफ काउंट है उसको हमको छुपाना है या नहीं, हाइड करना है या नहीं। दोस्तों, मैं आपसे बात करूँगा, मैं आपसे कहूँगा कि उसको छुपाना और उसको नहीं छुपाना वो आपकी मन की बात है। अगर आप चाहते हैं कि उसको हाइड करना तो हाइड कर सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि उसको मतलब पब्लिक में रहे, लोग उसको देखे, तो आप उसको दिखा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों, जैसे बात कर लेते हैं, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो उसको हाइड करना चाहते हैं। दोस्तों, इसका मतलब क्या फ़ायदा है उसको हाइड करने का? दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम कोई वीडियो डालते हैं और या वीडियो यूट्यूब पर प्ले होता है, कोई आदमी उसको खोल कर देखता है तो उसको सबसे पहले ये भी देख लेता है कि आपका, अगर आपने बोला उसको कि हमारे चैनल को भाई सब्सक्राइब करो, उसको लगता है यार कि इसका नंबर ऑफ काउंट चैनल सब कितने सब्सक्राइबर वो दिख नहीं रहा है, तो यार पता नहीं ये चैनल फेक है कि सही है कि नहीं है, कुछ ऐसे ही है, उलझ जुल कुछ भी। तो लोग मतलब अगर ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है या फिर वो हाइड है तो लोग उसको मतलब थोड़ा सा गलत ढंग से देखते हैं। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि लोग उसको हाइड इसलिए करने की कोशिश करते हैं कि उसको पता ना चले कि हमारे सब्सक्राइबर कितने हैं, या फिर उसके हमारे आइडेंटिटी के बारे में पता ना चले। ठीक है, उसको लाइक मेरे पास सब्सक्राइबर है बट मैंने उसको हाइड कर रखा है और वो हमारा वीडियो को देख लेता है। दोस्तों, ये अपना नज़रिया है लोगों का देखने का कि सब्सक्राइबर हाइड करेंगे तो फ़ायदा होगा कि नहीं होगा। दोस्तों, मेरा मानना है कि अगर आप शुरुआती दौर में हैं अपने YouTube चैनल के तो आप इसको हाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 1000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं, 5000 हो चुके हैं, तो आप बिल्कुल इसको हाइड ना करें। आप अपना एक अपनी आइडेंटिटी YouTube पे बनाएं और इसको एकदम अपने चैनल को ब्रांड बनाएं अपना कि देखिए हमारे पे इतने सब्सक्राइबर हैं और भी लोग जो हैं हमारे इस वीडियो को पसंद करते हैं, तो आप आएँ और इसको देखें। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो शुरू करने से पहले हम बताना चाहते हैं आपको कि दोस्त, अगर आप अपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे वाले रेड वाले बटन को दबाकर बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल वाली घंटी है उसको ज़रूर दबाएँ। दोस्तों, ये बिल्कुल फ्री है और सब्सक्राइब करने का एक पैसा नहीं लगता है, कोई चार्ज नहीं लगता है, YouTube कोई आपको बिल नहीं भेजता है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। सिर्फ सब्सक्राइब करना है नीचे वाले लाल वाले बटन को दबा के, और सब्सक्राइब करने के बाद से बगल वाले जो बेल वाली घंटी है उसको दबा देना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं कि अपने YouTube चैनल पे जो भी हमारा ये सब्सक्राइबर है उसको हाइड कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम अपने इस गूगल क्रोम को खोल लेते हैं। ओके, तो दोस्तों हमने अपने इस क्रोम को खोल लिया है और क्रोम को खोलने के बाद से सबसे पहले हम चलते हैं अपने यूट्यूब पे, और जैसे जैसे हमने यूट्यूब पे यहाँ क्लिक किया, और अगर दोस्तों आपको वहाँ पे अगर इस तरह से ये वाला आइकन बन के नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे डायरेक्ट सर्च कीजिए www.youtube.com, ठीक है, और इंटर प्रेस कीजिए। ठीक है, तो चलिए इसको हम साइन इन पर क्लिक करते हैं, और साइन इन पर क्लिक करने के बाद से हम ऑलरेडी हमने अपना ईमेल आईडी डाल कर रखा है, अपना बस पासवर्ड डाल देना है। यहाँ पे हम डालते हैं इसको, दोस्तों आप देख रहे हैं जैसा कि हमने अपना इसको खोल लिया है, और दोस्तों इस उसके बाद से आपको यहाँ पे आना है, और आप देख रहे हैं ना, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। ठीक है, आप देखिए आपको यहाँ पे आना है, और यहाँ पे आने के बाद से आपको इस पर क्लिक करना है, और नीचे आके जो है ये क्रिएटर स्टूडियो, इस पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों, जैसे ही आप क्रिएटर स्टूडियो पर आते हैं तो आने के बाद से, ठीक है, आप देखिए नीचे बहुत सारे क्रिएटर स्टूडियो नीचे बहुत सारे आपके ये बटन दिए हुए हैं जहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर डैशबोर्ड है, वीडियो मैनेजर है, लाइव स्ट्रीमिंग है, कम्युनिटी है, चैनल है। ठीक है दोस्तों, आपको अपने इस चैनल पर क्लिक करना है, और जैसे ही आप चैनल पर क्लिक करते हैं, चैनल पर क्लिक करने के बाद से आप देखिए छोटा सा यहाँ पर आपको दिख रहा है एडवांस, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार फिर से इसको। देखिए जो एडवांस है आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक है, इस एडवांस पे आपने इसे क्लिक किया,
और क्लिक करने के बाद से आप देखिए नीचे आ जाइए, और जैसे ही एडवांस पर क्लिक करते हैं आपको नीचे यहाँ दिया हुआ है चैनल के बारे में। देखिए यहाँ लिया हुआ है चैनल रिकमेंडेशन, और यहाँ दिया हुआ है सब्सक्राइबर अकाउंट। देखिए यहाँ पे दोस्तों जो ये दिख रहा है आप सबसे ऊपर में जिसमें टिक है ऑलरेडी, ये डिफ़ॉल्ट है, इस पर लिखा हुआ है डिस्प्ले द नंबर ऑफ पीपल सब्सक्राइब टू माई चैनल। ठीक है, तो इसका मतलब अगर अगर ये इस पर क्लिक है इसका मतलब ये है कि आपके जितने लोग आपको जिस चैनल में जितने लोग सब्सक्राइब करेंगे, जो भी आपके सब्सक्राइबर हैं, हाँ वो बिल्कुल आपको नंबर ऑफ काउंट मतलब आपको तो दिखेगा ही नॉर्मल ढंग से, और जो बाहर के लोग हैं उनको भी दिखेगा कि आपके चैनल को कितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है। ठीक है, और दोस्तों अगर आप इस नीचे पर क्लिक करते हैं, ठीक है, हाँ, और देखिए यहाँ लिखा हुआ है डू नॉट डिस्प्ले द नंबर ऑफ पीपल सब्सक्राइब टू माय चैनल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करने के बाद से आपको सेव बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे आपके जो सब्सक्राइबर हैं कितने लोगों ने आप चैनल को सब्सक्राइब किया है वो हाइड हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें सिर्फ जो भी आप सब्सक्राइबर होते हैं उनका सिर्फ नंबर ऑफ काउंट दिखता है कि एक है, दो है, चार है, दस है, पाँच है, पब्लिक को यही दिखता है, ये नहीं दिखता है कि किसने किसने सब्सक्राइब किया, ये नहीं दिखता है। ठीक है, वो सिर्फ आप देख सकते हैं क्योंकि आपका चैनल आप अंदर से जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हमको इसको हाइड करना है, तो हम जो हमारा डिफॉल्ट ये रहेगा, लेकिन जब हमको हाइड करना होगा तो नीचे वाले पर क्लिक करेंगे डो नॉट डिस्प्ले द नंबर ऑफ पीपल सब्सक्राइब टू माई चैनल। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करने के बाद से हमको इस सेव बटन पर क्लिक करना है। देखिए ये सेव हो गया हमारा, यहाँ आ गया यूज योर चेंज अगर सेव्ड। ठीक है, सेव्ड हो गया। अब दोस्तों अब आप क्लिक करेंगे, देखिए हमारा एक नॉर्मल मैंने चैनल बनाया था बाबा टेक, बस ऐसे ही ट्यूटोरियल के लिए आपको आप सबको बताने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो सब्सक्राइबर अभी जीरो दे रहा है, किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है इसको, बस ऐसे ही मैंने बनाया है इसको आपको बताने के लिए। बट दोस्तों जैसे आप हाइड कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, तो आपको जब जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपको तो यहाँ दिखेगा, बट जो भी पब्लिक है, जो भी दूसरे लोग हैं, ठीक है, उसको सिर्फ सिर्फ आपका चैनल का नाम दिखेगा और नीचे में जो सब्सक्राइबर है नहीं दिखेगा। लेकिन फिर दोबारा चाहते हैं कि आपके जो भी सब्सक्राइबर हैं उनको फिर से आपका नंबर दिखे, तो फिर से आपको बिल्कुल उसी में जाना है, और फिर आपको चैनल में जाकर एडवांस में आना है। एडवांस में आने के बाद से आपको फिर से इसके ऊपर वाले पर क्लिक करके फिर सेव बटन को क्लिक कर देना है। ठीक है, और उसके बाद से आप लॉग आउट हो जाएँ, कोई दिक्कत नहीं आपको। ठीक है, तो दोस्तों बस एक छोटा सा वीडियो रहा आपको बताने के लिए कि आप अपने YouTube चैनल पे आपके जो सब्सक्राइबर हैं उसको कैसे हाइड कर सकते हैं, कैसे छिपा सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अपने दूसरी वीडियो में। दोस्तों अगर आपको हमारा ये छोटा सा ट्यूटोरियल वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, माय बाप आप ही हैं, सब्सक्राइब कर लें, और जो नीचे उसके बगल में जो घंटी है उसको प्रेस कर लें। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलते हैं अपने दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों ऐसे सीखे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें।